हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है, रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मेरे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इडली बैटर का वीडियो चाहिए, रेसिपी चाहिए है, इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ में उसके पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की हर नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ में आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक बड़ा सा लाइक दे दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें इडली बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो होगा दाल और साथ में राइस। तो ये मैंने नॉर्मल से राइस लिए हैं, आपको जो वाले जो चावल आप खाते हो वही लेना है, हमें वही राइस लेना है, कोई इसके लिए स्पेशल कोई राइस लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें इडली के बैटर के लिए जो प्रोपोर्शन लगता है वो एक पार्ट दाल होता है, यानी कि उड़द की दाल एक पार्ट, और उसी से 3 पार्ट ज्यादा हमें चावल लेना पड़ता है, तभी हमारी इडलियाँ जो है वो स्पंजी बनती है और खाने में भी टेस्टी लगती है और दिखने में भी थोड़ी स्पंजी स्पंजी फूली फूली दिखती है। तो आपको जिस जितने क्वांटिटी में बनाना है उसी के हिसाब से आप लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए जो प्रपोर्शन है वो 1 कटोरी, मतलब 1 हिस्सा दाल तो 3 हिस्सा चावल होने चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने 1 कटोरी दाल और उसी उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं। तो अब हमें इसमें मिक्स कर देना है, चावल में ये दाल हम मिक्स कर देंगे। तो अब इस दाल और चावल को हमें अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इसे अलग अलग भी धोकर फिर एक साथ मिक्स कर सकते हो, या आप इसे पहले ही मिक्स करके भी धो सकते हो, ये इसमें कोई बात नहीं है, हमें इसे अलग अलग नहीं रखना है, हमें इसे एक में ही रख के मिक्स करना है। तो हमें इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो के इसका पानी फेंक देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दाल और चावल को मैंने बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है और इसे मैंने 2 से 3 बार तक धो दिया है, अच्छी तरह से साफ करके इसका पानी निकाल दिया है मैंने। और अभी हम इसमें फिर से एक फ्रेश वाला वाटर डाल के इसे 5 से 6 घंटे तक इसी तरह से भीगने देंगे। और हमें पानी का प्रपोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि दाल और चावल हमारे थोड़े हल्के से फूक जाएंगे, तो इसलिए पानी फिर कम ना हो जाए इसलिए हमें पहले ही पानी ज़्यादा डाल देना है इसमें। तो मेरी उड़द दाल में कुछ काली दाल मिक्स है तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है, मैंने चुन के निकाल लिए, फिर भी कुछ काली दाल मिक्स रह गई है। तो आपको काली दाल बिल्कुल यूज नहीं करना है तो हमारे इडली का कलर काला आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये चुन के निकाल दिए है, बस ये कुछ काली दाल है जो बच गई है। तो अब हमें इसे 5 से 6 घंटे तक इसी तरह से रहने देना है, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस चावल और दाल को रखे हुए अभी 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो मैंने ये मिक्सी का जार लिया है तो इसमें हम ये सारे चावल और दाल जो है हमारे भीगे हुए ये हम इसमें डाल देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे चावल और दाल डाल दिए हैं और आप पानी की क्वांटिटी देख सकते हैं, मैंने ज्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं ली हूँ। अगर हम ज्यादा पानी डाल के पीसेंगे तो ये जो हमारा बैटर होगा वो पतला हो जाएगा, तो पतला होने की वजह से हमारे इडली में स्पंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने अभी कम पानी डाला है। अगर हमें थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लगता है तो हम इसमें बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर दिया है, तो मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है, शायद आप देख पा रहे हो, मैंने इसे एकदम बारीक ग्राइंड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्का सा दरदरा रखा है, मैंने इसे इस तरह से हल्का सा दरदरा रखा है, मैंने इसे पूरी तरह से फाइन पेस्ट नहीं किया है। तो एकदम फाइन पेस्ट करने से जो इडली होती है वो एकदम चिपकी चिपकी सी बनती है, इस वजह से मैंने इसे हल्का सा दरदरा रखा है। अब हमें इसे फिर से 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, इसे एक बर्तन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन मैं इसी में रखूंगी, तो मैं इसी में रख के इसे 4 से 5 घंटे तक छोड़ दूंगी। और जिसे खट्टा खाना पसंद है, जिसे इडलियाँ खट्टी पसंद है, वो इसमें आधा कटोरी दही ऐड कर सकते हैं, और आधा कटोरी दही ऐड करके इसे छोड़ देना है, फिर कल सुबह बनाने वाली प्रोसेस स्टार्ट करनी है। लेकिन मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है इसीलिए मैं इसमें दही ऐड नहीं करूँगी,
ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या तो फिर ओवरनाइट के लिए हम इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हैं ये एकदम फूल के ऊपर तक आ चुका है। इसकी क्वांटिटी इससे कम थी, लेकिन ये फूल के ऊपर तक आ चुका है। तो अब हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे। तो सोडा कोई कोई ऐसे ही सिंपल तरीके से ऐसे ही ऐड करके मिक्स कर देता है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से ऐड करती हूँ सोडा, तो वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले गैस पे एक छोटा बर्तन रखना पड़ेगा। अब हम इसमें 2 to 3 tablespoons ऑयल डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 to 3 tablespoons ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इस ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में हमें इसमें आधा चम्मच खाने का सोडा ऐड करना है। तो ये आपके बैटर के क्वांटिटी के हिसाब से होगा कि आपने बैटर कितना लिया है, उस हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बैटर है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसे इसी गर्म हालत में हमें इस पे डालना है। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अभी अभी हमें इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देना पड़ेगा। तो मैं 1.5 tablespoon सॉल्ट लूंगी, या तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही में गैस पे मैंने इडली वाला कुकर में पानी डाल के गर्म होने रख दिया है। तो अब हम इसकी प्लेट्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है हमें अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें हमारा मिक्सचर ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारी प्लेट्स कुकर में अरेंज कर दी है। तो अब ये पका है नहीं पका है इसे इस तरह से चेक करना है। तो हमारा नाइफ एकदम क्लियर निकला है, इसका मतलब ये पक चुका है। तो अब हम इसके सारी प्लेट्स बाहर निकाल लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी प्लेट्स निकाल दी है। आप देख सकते हैं हमारी एकदम इडली फूली फूली बन गई है। तब हम इसे निकालना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे स्पून की सहायता से भी निकाल सकते हैं, मैं नाइफ से निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इडली बनी है। आप देख सकते हो एकदम स्पंजी बनी है। तो हम इसी तरह से सारी इडली निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली बनके तैयार हो गई है, एकदम स्पंजी देख सकते हो आप, और देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितने आसान तरीके से हमारी एकदम स्पंजी और सॉफ्ट इडलियां बनके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसी प्रोसेस को ट्राई कीजिएगा और घर में इडली बनाइएगा। फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी इडलियाँ कैसे बनी है। तो मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।